तो 24-25 राज्यों में बीजेपी नहीं है और आप कहते हैं कि मेरी ही सरकार बनेगी। तीसरा फ्रंट जो चाणक्य होंगे, जिनके पास 20-30 एमपी होगा वही शासन करेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो मैं आपको लिख के देता हूँ ताम पत्र पे बॉन्ड भर के कि वो मैं मायावती प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। एक थाली के सब चट्टे बट्टे लोग हैं, इधर और उधर करने वाले, ये सब देश को लूटने वाले हैं, ये सब मनुवादी हैं, इन दोनों को हराना चाहिए। लेकिन रावण है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खेल रहा है। यहाँ जो अभी जंतर मंतर पे हुआ, उसका सारा फंडिंग आरएसएस ने किया। हमका मायावती कितना भी कमजोर हो जाए वो बब्बर शेर होगी। जर्नलिस्ट महोदय, 2024 की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त दंगल होने वाला है। और दंगल में जो एक पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है और एक सोशल मीडिया है, उन दोनों का भी दंगल ज़बरदस्त दिखेगा। क्योंकि जो पेड मीडिया है, जो स्ट्रीम मीडिया है, वो सरकार के पक्ष में बोलेगी और हमारी स्ट्रीम मीडिया, हमारी जो सोशल मीडिया है, वो विपक्ष में रहेगी। और उनकी भी मीडिया में भी और जनता के बीच में, नेताओं के बीच में दंगल होगा। और इसमें जो है ना एनडीए होगा ना इंडिया होगा, ये दोनों जाएंगे बाहर और तीसरा गठन आएगा और वो हम जल्दी बताने बड़ी बात कर रहे हैं सर जी। बहुत बड़ी बात तो नहीं कर रहे, छोटी बात। आप मुझे बताइए जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे 20 राज्यों में बीजेपी नहीं है, जहाँ पे 20 राज्यों में नहीं है, 29 राज्यों में, 36 राज्य है एनसीआर मिला के, 29 राज्यों में चुनाव होता है, तो 29 राज्यों में 20 राज्यों में नहीं है, 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें एक तो सिक्किम गया ही इनके साथ, नॉर्थ ईस्ट तो अब तो बीजेपी भूल जाइए, आपको जो है तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी गया, राजस्थान में थोड़ा सा डॉट चल रहा है और छत्तीसगढ़, तो आप ये 4 राज्य भी गया, तो 24-25 राज्यों में बीजेपी नहीं है। और आप कहते हैं कि मेरी ही सरकार बनेगी, किस आधार पे कह रहे हैं? कोई तो लॉजिक होना चाहिए। आप कहते हैं मैं डकैती करूंगा, कहाँ करोगे? ईवीएम में करोगे। और ईवीएम पे एक एक जर्नलिस्ट, एक एक नौजवान पहरा देगा। ईवीएम में और कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। ईवीएम की जो चोरी होती है, जो बक्से बदल दिए जाते हैं, स्ट्रांग रूम में जाने से पहले वहाँ गाड़ियाँ बदल जाती है, स्ट्रांग रूम में रूम बदल दिया जाता है, वो सब अवर नहीं होने वाला। उसके लिए लोग जागरूक हो गए। और क्या जानना चाहते हैं आप? राहुल गांधी जी आज फिर संसद भवन पहुँच गए। राहुल गांधी संसद, तो हमने पहले दिन कहा था आपको, जब गुजरात कोर्ट ने जब उन पे लगाया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि ये जो है पक्षपातपूर्ण है, ऐसे लाखों केसेज हैं मानहानि का, जिस पे आपने किसी तरह का आदेश नहीं दिया, आपने केजरीवाल पे 25,000 फाइन करके छोड़ दिया और आप इनकी सदस्यता छोड़ दी। एक जो पार्टी का एक राष्ट्रीय पार्टी है, हालांकि मैं उनका कोई दोस्त नहीं हूँ, कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक लीडर है, एक राष्ट्रीय पार्टी का लीडर है, उभरता हुआ लीडर है, पप्पू जिसे कहा गया था, वो पप्पू का लेवल अब हट गया है, अब जनता का चहेता लीडर बनता जा रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, किसानों से मिल रहा है, मजदूरों से मिल रहा है, मैकेनिक से मिल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, तो ये एक संकेत है कि उभरता हुआ वो नेता है, ये मानना होगा। और उन्होंने जो सेक्रीफाई किया कि उन्होंने खड़गे साहब को अध्यक्ष बनना पड़ा और उनको अध्यक्षता गई, उन्होंने नहीं बुरा माना, तो आज वो होना ही था। हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेकार लोगों का कोर्ट नहीं है, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वहाँ पे पक्षपात नहीं होता। आप राज्यों में पक्षपात कर लोगे, दबा लोगे और फंसा दोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नहीं फंसा सकते हो आप। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, वहाँ पे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे 38 पार्टियों और दो ये मिल करके 40 चोर अली बाबा 40 चोर के सरदार हैं, और इधर 26 चोरों का, लोमड़ियों का टीम है। अली बाबा जो है हमारे मोदी जी हैं, आदरणीय सामान्य हैं, और उनके जो खासम खास हैं अमित शाह जी, जिनको तड़ी पार भी कहा गया। तो अब 24 में जब हारेंगे तो जेल जाएंगे। क्या बोलेंगे, तड़ी पार अली बाबा कहा आपने कहा, और क्या ये नहीं है कि उन पे जो है उनका केस को बंद कैसे किया गया? उनके एक जिस जज ने, मैं कोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ, जिस जज ने उनका केस सुन रहा था, उनको आपने गवर्नर बना दिया, और जो वकील था उसको जज बना दिया, हमें भी बना देते ना, क्या और लोग नहीं थे?
तो आपने अपने लोगों को तो कर दिया जो ने सपोर्ट किया, और यही काम आम आदमी पार्टी ने भी किया कि आपने 450 लोगों को आपने 1-1.5 लाख रुपया पर नौकरी रखा, आप गवर्नर हटा दिया तो मिर्ची लग रही है। तो यहाँ पे 26 जो भाई ने कहा, इनका सवाल पूरा कर दे रहा हूँ कि 26 पार्टियों का ये जो लोमड़ियों को टीम बनाई है, आने वाले दिसंबर तक ये बिखर जाएंगे, ये मैं बता दूँ, ये टूटने वाले हैं। और अगर नहीं टूटी तो ये 240 तक ले आएंगे, क्योंकि कांग्रेस 52 है तो कितना आ जाएगा, 80 या बहुत अगर नाम हो गया तो 100, उससे ज़्यादा नहीं, तो 240। तो फिर कौन हम जैसे लोग होंगे जो तीसरा फ्रंट बनाने जा रहे हैं, तीसरा फ्रंट जो चाणक्य होंगे, जिनके पास 20-30 MP होगा वही शासन करेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा। था अभी नाम बताऊंगा, आने वाला है, अभी थोड़ा सा तो अंदर रहने दीजिए। मायावती को लेकर भी लगातार कयास, देखिए अगर देखिए मैं भी मायावती का अभी कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मायावती अगर ये गेम खेलती हैं, मायावती अगर निर्दलीय और ओवैसी और बाकी जो छुटबैये जो छूटे हुए हैं, जैसे जगन है, BSR है और कई पार्टियां हैं जो अभी NDA और इंडिया का भाग नहीं है, वो अगर इकट्ठे होकर के तीसरा फ्रंट बन गया, तीसरा अलायंस बन गया, जो चल रहा है कयास, जो कोशिश हो रही है, और वो अगर 25 सीट ले आए, तो मैं आपको लिख के देता हूँ ताम पत्र पे बॉन्ड भर के कि वो मैं मायावती प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। कैसे बनेगी? हर चुनाव में रिकॉर्ड है कि गठबंधन तोड़ देती है। आप अभी बच्चे थे होंगे, 1977 में देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, आईके गुजराल बने थे, चंद्रशेखर जी बने थे, बड़े बड़े लीडर थे उस वक्त, बहुत बड़े बड़े लीडर थे, सुरमा खां थे, वो नहीं बने थे। तो यही हालत होगा कि बड़े बड़े कौन प्रधानमंत्री बने, वो इसलिए कि 272 का आंकड़ा पूरा करना होगा, और जब 272 आंकड़ा पूरा नहीं होगा तो किसी ठेंगा, तो जो लोग साथ देंगे वो कहेंगे मैं इसी साथ पे दूंगा कि मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, तब इंडिया वाला कहेंगे माया बहन आ जाओ, और उधर मोदी जी कहेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, तू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो वो देखेगी मैं डिप्टी क्यों, मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मायावती बन सकती है, ये मैं अपना, मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं मोदी का, ना मैं जो है योगी का, ना मैं राहुल का, ना मैं इसका हूँ, क्योंकि मैं एक मानवतावादी हूँ, मैं मानवाधिकार पर काम कर रहा हूँ, और मैं तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन में जा रहा हूं, और हमने भी कहा है राष्ट्रीय महागठबंधन बनाओ, एक जो है एक इंडिया हो गया, एक ईस्ट इंडिया हो गया, अब हमें भारतीय चाहिए, अगर ये इंडिया की जगह इंडियन करते, एन जोड़ देते तो ये भारतीय हो जाता, मैं समर्थन करता, लेकिन यहाँ भी वही टीम है, चट्टे बट्टे एक थाली के सब चट्टे बट्टे लोग हैं, इधर और उधर करने वाले, ये सब देश को लूटने वाले हैं, ये सब मनुवादी हैं, इन दोनों को हराना चाहिए। काशीराम बिल्कुल, काशीराम बिल्कुल, काशी बिल्कुल नाग नाग है, एक नाथ है, एक नाथ है, और सही कहा, आज काशीराम के नाम पे आज जो है अम्बेडकरवादी, आज जो है भीमवादी, आज सब लोगों को जोड़ने की बात हो रही है, और उसी को तोड़ने के लिए एक तरफ चंद्रशेखर रावण को, मैंने चंद्रशेखर रावण को चंद्रशेखर आजाद का उपाधि दे करके कहा कि यू आर द चंद्रशेखर आजाद बनो, नया आजाद बनो, लेकिन रावण है वो भी कहीं ना कहीं BJP के खेल रहा है। यहाँ जो अभी जंतर मंतर पे हुआ, उसका सारा फंडिंग RSS ने किया, तो वो जो है मायावती को तोड़ना, वो जो है वो हमारे बहुसंघ, मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरा दोस्त है, अरे भैया उसको किसी ने गोली मारा, बचाने वाला मैं हूँ, मेरा दोस्त है, लेकिन राजनीतिक में जो वो हरकतें कर रहा है, जो बिक रहा है दल बदलुओं की तरह, जो इधर से उधर हो रहा है, ये गलत कर रहा है। मैंने भी कोराम जैन को, जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, वो भी मेरा दोस्त है, मेरे पास आता, हमने कहा कि तुम लोग भटके हुए हो, भटके राही, ये राही आदमी काम नहीं करेगा, अब तुम लोग चाहते हो कि मैं MP और मिनिस्टर बन जाऊँगा, नहीं बनेगा, अगर बनेगा मायावती नहीं, हम कहा मायावती कितना भी कमज़ोर हो जाए वो बब्बर शेर होगी, कमजोर हो जाए, कुछ भी हो जाए, UP चाहे उसके अभी 10 MP है, अगर आज उसकी मध्य प्रदेश तेलंगाना हर जगह उसकी पूछ है, राजस्थान में हर इंडिया में पूछ है, अगर उसके 20 आ गए और उन्हें 4-5 दे दिया, तो आप, मैं वही कह रहा हूँ कि चाणक्य वही बनेगा जिनके पास कम संख्या होगी, वही जो है किंग मेकर बनेगा, ये मैं कहने जा रहा हूँ, और मैं किंग मेकर के साथ हूँ।